आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी मतदाता जागरूकता अभियान चलाएंगे। इसका उद्देश्य राज्य विधानसभा चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट मशीन द्वारा मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। प्रचार प्रसार के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्कूल शिक्षा विभाग को स्वीप पार्टनर बनाया है। आयुक्त स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी प्राचार्य, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और संभागीय कार्यालयों के प्रमुखों से कहा है कि वे प्रमुख स्थानों पर ऐसे फ्लेक्स प्रदर्शित करें जिसमें ईवीएम और वीवीपैट द्वारा मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराने का चित्रण हो। विभाग के पोर्टल पर एक सीडी भी उपलब्ध कराई जाएगी जिससे कोई भी मतदाता आवश्यक जानकारी हासिल कर सके। वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने चर्चित मीटू कैंपेन के संबंध में कहा है कि गलत व्यवहार और अपराध के खिलाफ आवाज उठाने का सभी को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। श्रीमती ईरानी ने इंदौर में भाजपा की ओर से आयोजित कमल शक्ति संवाद कार्यक्रम में कल देर शाम सामाजिक संगठनों की महिलाओं के प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मीटू कैंपेन के तहत सामने आए सभी मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच कराई जाएगी। श्रीमती ईरानी ने महिलाओं के साथ लगातार बढ़ रही छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि बालिकाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले अपराधियों को मौत की सजा देने का निर्णय सरकार ले चुकी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए महलों का वैभव छोड़कर संघर्ष किया था। श्री तोमर ने कल श्रीमती सिंधिया की जन्म शताब्दी के मौके पर भोपाल में भाजपा के प्रदेश कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम राजमाता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह भी मौजूद थे। वहीं ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया जन्म शताब्दी वर्ष समारोह पर आयोजित महिला मैराथन दौड़ को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिला सशक्तिकरण के लिए ग्वालियर से दिल्ली तक निकाली जा रही 375 किलोमीटर की ये मैराथन मुरैना, धौलपुर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, पलवल और फरीदाबाद से होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। मैराथन का समापन 16 अक्टूबर को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा चुनाव के दौरान पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से मतदान कराने के लिए शिवपुरी जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के लिए कम्युनिकेशन प्लान टीमों का गठन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर शिल्पा गुप्ता के निर्देश पर 153 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग कराई जाएगी। 122 मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी की जाएगी और 124 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि कम्युनिकेशन प्लान के दल मतदान होने के 3 दिन पहले से विभिन्न प्रकार की जानकारियां जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल को भेजेंगे। वहीं मतदान संपन्न होने तक ये दल सभी प्रकार की जानकारियां भेजते रहेंगे। तितली तूफान के प्रभाव के चलते राजधानी में दिन और रात के तापमान में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई है। दिन के तापमान में जहां 0.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई, वहीं रात के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस कमी हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1-2 दिन तापमान सामान्य या उसके आसपास रहने की संभावना है। शुक्रवार को राजधानी भोपाल का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत आज अपने 2 दिवसीय प्रवास के तहत बैतूल पहुंचे। श्री भागवत स्थानीय भारत भारती आवासीय विद्यालय में देश भर से प्रशिक्षण के लिए जुटे मास्टर ट्रेनर्स को मार्गदर्शन देंगे। वे रविवार को नागपुर के लिए रवाना होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह 14 और 15 अक्टूबर को प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। उनके होशंगाबाद, सतना, रीवा, डिंडोरी और जबलपुर में कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में आज शाम उदयपुर की नेहा चारण और साथियों द्वारा चिरजा गायन और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की साथवी द्वारा कथक शैली में देवी के स्वरूप पर आधारित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी जाएगी।
टीकमगढ़ जिले में रबी सीजन में अच्छी बोवनी को ध्यान में रखते हुए जिले की सभी कृषि साख सहकारी समितियों के गोदामों पर खादों का भंडारण शुरू हो गया है। अभी तक 1000 टन खाद का भंडारण हो चुका है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।